हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीच एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कोड तो पहला स्टेटमेंट है द बॉडी ऑफ हिरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा इज सॉफ्ट वर्मी फॉर्म एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड सेकेंड स्टेटमेंट है द सेगमेंट्स थर्ड टू ट्वेंटी आर फर्दर डिवाइडेड इंटू रिंग्स और एनुअली थर्ड सेगमेंट थर्ड स्टेटमेंट है द माउथ माउथ ऑफ लीच इज गार्डेड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड वेलम फोर्थ स्टेटमेंट है द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर शकर्स आर मेंट फॉर एडिशन एंड लोकोमोशन कोड्स क्या है इसके कोड ए में है थ्री एंड फोर कोड बी में है वन एंड फोर कोड सी में है टू एंड फोर एंड कोड डी में है वन टू थ्री एंड फोर यानी कि सारे तो हम लोग जल्दी से इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट होगा कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर ऑफ लीज लीच के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पहला कैरेक्टर क्या है जो बॉडी ऑफ लीच जो है ना बहुत सॉफ्ट है इलांगेटेड है और वेंट्रली फ्लैटेड है तो हम लोग क्या लिखेंगे बॉडी इज सॉफ्ट इलोंगेटेड एंड वेंट्रली फ्लैटेड

इट मेजर्स अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ ओके ओके इसका थर्ड कैरेक्टर हम लोग क्या देखेंगे बॉडी इज मेटामेरिकली डिवाइडेड सेगमेंटेड ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं बॉडी इज मेटामेरिकली इंटू थर्टी थ्री सेगमेंट बॉडी इज डिवाइडेड मेटामेरिकली इंटू थर्टी थ्री सेगमेंट्स ओके फोर्थ क्या है फोर्थ है कि डोरसल फाइव सेगमेंट जो है ना उन उसके पास फाइव पेयर्स ऑफ आईज है तुम तो लोग लिखेंगे डॉर्सल फाइव सेगमेंट डॉर्सल फाइव सेगमेंट हैव फाइव है ऑफ आई हैव फाइव ऑफ आईज ओके फिफ्थ क्या है इसका फिफ्थ है इसका कि इसके पास वेल डेवलप्ड वेल डेवलप्ड पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंड इंटीरियर सकर्स है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर है जो पोस्टीरियर सकर है वो सर्कुलर है एंड फॉर्म करता है मस्कुलर डिस्क ओके तो क्या लिखेंगे हम लोग पोस्टीरियर पोस्टीरियर सकर इज सर्कुलर ओके और ये जो पोस्टीरियर सकर है वो हेल्प करता है एडिक्शन में एंड लोकोमोशन में ओके सेवेंथ क्या है जो तुम आपका वो इंटीरियर सकर है इंटीरियर सकर जो है वो वेंट्रल है एंड ओरल इन शेप है ओके ओरल इन शेप है और और क्या है जो नेफ्रिडिया है नेफ्रिडिया आर सेवनटींथ पेयर एंड आर सेगमेंटली अरेंज्ड फ्रॉम सिक्स टू ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंट ओके okay? जो नेफ्रीडिया है वो 17 पेयर्स है जो कि सिक्स से लेकर ट्वेंटी टू सेगमेंट तक अरेंज है ओके okay? आर 17 पेयर्स ठीक है और क्या है एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट एकदम ट्यूब लाइक है स्ट्रेट ट्यूब लाइक ओके एनएस जो है वो ट्वेंटी सिक्स एनएस इज लोकेटेड एट ट्वेंटी सिक्स

उनके बॉडी जो है वो डिवाइड होते हैं रिंग फॉर्म में फिर है माउथ ऑफ लीच इज गार्डेड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड वेलम ये कैरेक्टर भी ट्रू uh, है फोर्थ स्टेटमेंट क्या है द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकरस आर मेंट फॉर एडिशन एंड लोकोमोशन जैसा कि मैंने बताया कि जो पोस्टीरियर एंड इंटीरियर सकरस क्या हेल्प करते हैं वो लोग हेल्प करते हैं एडिशन एंड लोकोमोशन में तो इस तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है तो यहाँ पे देखते हैं कोट्स। कोर्ट्स में है थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारे पास सिर्फ एक ये डी ऑप्शन ही है कोडी जिसमें ये चारों ऑप्शंस आते हैं वन टू थ्री एंड फोर तो ये हो गया करेक्ट आंसर तो हमारा आंसर क्या है आंसर है डी आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल